तो शर्मा कह रहा है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा खंडर, जो कि बहुत ही फेमस है और ये आर्कियोलॉजिकल साइट में वन एक से एक है। और अभी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो अभी इसको जल्दी से स्विच करूँगा गोप्रो में। और मुझे पता नहीं यहाँ पे गोप्रो का चार्ज लगता ही लगता है। उससे पहले मैं बता देता चाहता हूँ कि अगर इंडियन सिटीजन हो आप तो आपको 40 रुपीज़ लगेगा, और अगर फॉरेनर हो तो आपको ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ का टिकट पड़ेगा। और तो आप दिखाता हूँ मैं आपका व्यू कैसा है। और पार्किंग फैसिलिटी, जैसे अगर बाइक से आते हो तो बाइक से आओगे तो सामने ही पार्किंग फैसिलिटी है, अगर कार से आते हो तो वहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और खाने पीने का मैं बहुत सारे अगर स्टॉल्स भी है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अब चालू करते हैं टूर। और अब ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, मस्त गार्डन टाइप मेंटेन किया है। जब पिछली बार जब मैं आया था तब उतना कुछ खास था नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ था, बस ये सब कुछ नया बना है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे और कॉलेज। और ये कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स है जो कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कम फॉरवर्ड टू प्रिजर्व हेरिटेज। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह और स्कूल और कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ था, ग्रैनी सेल्स ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 1, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे। और ये इसलिए और इसे खोदा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो हर एक फ़ोटो में दिखाया गया कि कैसे काम शुरू हुआ था और कैसे क्या था डेवलपमेंट। अभी ये रास्ता है, शायद से आगे जाके आएगा वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ये रास्ता यही है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप जाओगे तो यही चीज़ है। ये मेन डोम है जो आप देख सकते हो, ये मेन डोम आप देख सकते हो आगे आने वाला है। और ऐसा कुछ है टेम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे अलग अलग फोटोज़ के साथ डिप्लिक किया है, बिफोर एग्जीबिशन मतलब बैल जब नहीं हुआ था उससे पहले, मतलब ऐसा कुछ था, इसके बाद खोदना चालू हुआ। और इसकी स्टोरी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें पे है। और यहाँ पे है जनरल व्यू जब एग्जीबिशन चालू हो गया था उसके बाद वाला। और अभी बहुत सारी साइट्स और बाकी एक्सवेट करने के लिए, तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे कुछ लोग अपनी नज़रों से बाज नहीं आते हुए फ़ोटो के लिए नीचे जाते हुए, क्योंकि पता नहीं रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, नहीं पता। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आते हैं यहाँ पर, जैसे भीड़ कितनी ज़्यादा है। बिकॉज आज है संडे और ये व्लॉग अगर कल आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर लेट से आएगा, पर मैं ट्राई करूँगा कि आज के आज इसको डाल दूँ मैं। तो ऐसा कुछ व्यूज़ है। सो ये संडे का टाइम है और जैसे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और हर जगह आपको टूरिस्ट के जगह गाइड भी मिल जाएंगे, पर गाइड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो और गूगल कर सकते हो। पर गाइड लोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बिकॉज वहाँ के लोकल होंगे और लोकल इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। बाकी आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ गाइड और नॉट। सो ऐसा कुछ है। तो मैं आया था करीब जब मैं 2013 की बात है, जब मैं पापा मैं पूरी फैमिली आए थे, तब मेरे पास था सैमसंग गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी वाई था, तो वो वाला फ़ोन था तब मैं आया था पापा के साथ। तब हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, पर वो फ़ोटोज़ उतने अच्छे नहीं, मतलब क्या बोल सकते हो कि ठीक ठाक आए थे, पर उसके टाइम पे वो फ़ोन उतना खास था नहीं, तो फिर ऐसा लगा। और आने के टाइम भी पापा ने बोला कि भाई तू क्या करने जा रहा है, तू गया तो है एक बार, तो मैंने बोला पापा चल जाने तो एक बार देखता हूँ कि कैमरा से मेरा क्या ही अलग है यार। उस टाइम पे तो पता नहीं चला था उतना, पर अभी बहुत सारा इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ तो मन करता है कि यहाँ पे आके एक बार विज़िट करूँ, तो सोचा ट्रिप एंड होने से पहले जाके एक बार विज़िट कर लेता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो ये है मेन एंट्रेंस, हम लोग आने टाइम पर फ़ोटोज़ लेंगे और जो कि आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। और आप देख सकते हो कि कितना ही, इसके नीचे भी ज़मीन होगी मेरे को लगता है, पर ऐसा कुछ है एंट्री। और आप देख सकते हो पहले हम लोग यहाँ पे जा सकते थे पर अब नहीं जा सकते, और ये कुछ सेल हुआ करता था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स के रूम हुआ करते थे मेरे को लगता है, पहले इसके ऊपर हम लोग जाने देते थे, अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया, रेलिंग लगा दिए, पर पहले ऐसा कुछ था नहीं, पहले के टाइम पे पूरा का पूरा ओपन था, जिसको जहाँ जाना है वहाँ पे जा सकता था। पर अभी थोड़ा जैसे कि टूरिज़्म बूस्ट हुआ है, टूरिज़्म बूस्ट होने के बाद कुछ ज़्यादा ही पब्लिक में
एक्सप्लॉइट किया होगा कुछ चीज़ को, उसके से इन्होंने बैरियर्स लगाए, बाकी पहले बैरियर्स नहीं थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइड है, स्विमिंग पूल है, बोर्ड के गाइड अलग है। और अगर आपको कैमरा लेके आना है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से अगर शूट करना है तो मोबाइल से शूट कर सकते हो, और अगर कैमरा लेके आते हो तो कुछ उसके भी अलग चार्ज है जो मुझे नहीं पता। मैं तो वो प्रो लेके आया हूँ, पर देखते क्या है क्या नहीं है पता चलेगा। और ऐसा कुछ है, ये लोग हर जगह रुक के ब्लॉकेज देते हैं, इसलिए बोले गए वोल्टेज। सो ये मंग्स आपको दिख सकते हैं, मैंने करीब करीब इसके ऊपर जाके फ़ोटो खिंचवाया था, इसके ऊपर भी गए थे मैं, और इसके ऊपर उस साइड का फ़ोटो था मेरा, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं अटैच कर दूंगा। नहीं नहीं सुनना फ्री में, वो भी बोलने लगे कि आप इसी ग्रुप में ये है वो है, इन लोगों का ऐसा रहता है। तो ऐसा कुछ है, तो इसी स्टोरी में आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ी मुझे जितनी पता उतनी बताता हूँ, बाकी तो गूगल है, गूगल सबको पता ही है क्या है क्या। चलो दिखाता हूँ आप जाके आपको। ये भैया ये है फेमस लाइब्रेरी, जो कि G20 के मेन उसमें भी था, मतलब पोस्टर में था, पर पोस्टर में का इसका होने का अलग ही रीज़न है। तो ये था आज के टाइम में ही बहुत पुराना लाइब्रेरी, और आपको देख सकते हो एक्सकवेशन जो भी हुई है उतनी लेवल की नहीं हुई है, जिसके वजह से थोड़े बहुत अभी भी अंदर है। और ये है टेंपल नंबर 3, और यहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसको करीब करीब कितने 6 महीने चला था ना, उसकी जो जिसके जो बुक्स थे वो इतने ज़्यादा मतलब हैवी मटेरियल से बने थे, और इतने सारे बुक्स थे कि वो 6 महीने से ज़्यादा तक जलते रह गए थे। और उसका मैं उसको देखता हूँ, मैं देख साइट है पहले, ये सब ये जो बैरियर्स आप ये देख रहे हो ये बैरियर्स नहीं थे, और आप वहाँ तक जा सकते थे जहाँ तक ऊपर तक जा सकते थे, पर अभी इन लोगों ने थोड़ा सा बना दिया है, पर पब्लिक ने उसको भी थोड़ा बहुत ढंग से नहीं बनाया था। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत दीमक खा गया है, मेंटेनेंस उतना खास है नहीं पर फिर भी ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो वहाँ पे जा सकता है, और ऐसा कुछ यूज़ है। The real shopper in the group. She is recording herself with the TikTokers. भाई आज की जनता को हुआ क्या है, वो इंस्टाग्राम पे रील बना रही है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे मतलब किसी को पता नहीं यहाँ पे अलाउड है बैठना। तो यहाँ से अब अगर आप आते हो, अगर यहाँ से वहाँ से घूमते, बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, पहले ये जगह बनी नहीं थी उस हिसाब से, तो अब बन चुकी है, और इसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ से रास्ता है ऊपर आने का, और यहाँ पे बैठने की मस्त सी जगह है, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते, मतलब गार्डन वगैरह मेंटेन्ड है तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते हो, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आओ, फोटो खिंचाओ, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर 1999 क्या 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 लिखा हुआ है लोगों ने, बिकॉज लोगों को हर जगह अपनी वो छोड़नी ज़रूरी है मतलब छाप। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे, आज संडे है और बहुत सारे स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे आज आ रहे हैं यहाँ पे। और इसकी हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि मोहम्मद खिलजी थे जिन्होंने ये पूरा का थे नहीं उन्हीं ने पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया इसका, और एक ही चीज़ की वजह से उनकी बीमारी उनके डॉक्टर से सही नहीं हुई तो उन्होंने जला दिया, और जलाया तो कुछ नहीं, बहुत दिन तक जला भाई, आज का नहीं मतलब करीब महीनों तक जला। और इसका हिस्ट्री अगर देखनी है तो भाई गूगल कर लेना, बिकॉज इतना ज़्यादा मैं सोशल साइंस में इतना अच्छा था नहीं,
और जो हमारी टीचर थी वो ऑलमोस्ट हमको हर 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 पीरियड में सुला देती थी। इनकेस मतलब ऐसा सब्जेक्ट था कि जब मैं कोशिश करता कि जगने की, मतलब 8 to 9 सेंटर इतना ज़्यादा वैसा था कि साइंस के टाइम पे मुझे, सोशल साइंस के टाइम पे मुझे जगना, मतलब आंखें खुलने तो खुलनी नहीं देती थी इतना। अगर लंच के पहले हो तो बहुत बढ़िया, लंच के बाद हो तो अलग, और अब व्यू देखो उसके बाद ही खाता हूँ क्या है। तो ऐसा कुछ व्यूज़ है। ये है मेन लाइब्रेरी जो कि चली थी अप्रोक्स बहुत दिनों तक, और ये कुछ रिमेनिंग है। अभी सूरज है उसके से लाइट नहीं आ रहा ढंग से, पर मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। और अभी और कुछ बहुत कुछ देखना बाकी है, तो चलो और दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टूरिस्ट लोग अपने ही अलग जगह चले गए हैं भाई। टूरिस्ट लोग को जब भी कुछ चीज़ के लिए मना किया जाए या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लोग वहाँ पे जाना ज़रूरी मानते हैं। और उधर सिक्योरिटी गार्ड, हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह और यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है। तो अभी मैंने जो GoPro लिया है, एक्शन कैमरा जो लिया है मैंने, उसके नीचे मैंने स्टैंड नहीं लगाया बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत इश्यू है, उसके से नहीं लगाया। और अभी दूसरा शॉट दिखाता हूँ आपको। अब चलते हैं दूसरी जगह पे जो कि अलग टेंपल या मोनेस्ट्री होगी, वहाँ पे चलते हैं आपको वहाँ का दिखाते हैं। तो ये कुछ कुंड होगा शायद से नहाने के लिए, इतना तो नहीं पता, हमने गाइड तो नहीं किया। बस गाइड यहाँ पे चार्ज अच्छे से करता है बिकॉज अभी G20 का अच्छी का साइड है। जब मैं बहुत पहले आया था तो कुछ 50 या 100 रुपीज़ चार्ज किए थे 2013 में, और सिग्निफिकेंस तभी पता चलता जब आप गाइड करते हो। और जो स्टेप्स है और ये कुछ है ऊपर से व्यू अभी कनेक्ट। और यहाँ पे देख सकते हो कि गंदगी बहुत ही अच्छे लेवल की है, लोग यहाँ पे कचरा डंप करने ही आते हैं। यही होता है भाई ऐसे स्पॉट्स में। यहाँ पे कुछ शूटिंग चल रही है, थाई के कुछ लोग हैं जो समझा रहे कुछ, पता नहीं क्या है। अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। और कुछ वेल जो कि बहुत सारे लोग ने सिक्का भरा है और किसी ने नोट भी डाली है। पूरा 500 का नोट और कुछ 10-20 रुपये का नोट इसने डाला हुआ है। सो यहाँ पर लोगों को लगता है कि सब वेल फिशिंग वेल है, तो सब जगह लोग वेल बना देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब चलते हैं नीचे उतर के, चलते कहीं पे घर की तरफ या फिर कहीं और देखते हैं। और एक वहाँ पे एक और डोम है, और ये रहा कुछ तो ये है द स्ट्रक्चर। अ फ्यू इंचेस लेटर तो ये है कुछ किचन जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे वेल भी है, वेल ऑलमोस्ट हर जगह है जहाँ पे यूज़ होना चाहिए, मतलब 3-4 जगह मैं देख चुका हूँ वेल। और ऐसा कुछ है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो हम लोग कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। और वेल में पता है कि यहाँ के लोग को लगता है कि सब वेल विशिंग वेल है, तो सब लोग पैसे डाल देते हैं। और मुझे पता नहीं इसकी कितनी बात सच्चाई है कि नहीं है, हम लोग देखते हैं जाके वेल में क्या है क्या नहीं। और रास्ता कुछ ऐसा है, सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला था ये भी विशिंग वेल है, और यहाँ पे पैसे डाले हुए हैं, और मैं ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं करूँगा। और आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, और ये शायद से कुछ है जो कि नहीं पता क्या हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं था, वहीं तक था जो था। अब चलते हैं हम लोग दूसरी जगह पर। और इधर आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे घूम रहे हैं, देखते हैं अभी कहाँ है। और पीछे आप देख सकते हो अश्विन घूम रहा है साथ में। और ऐसा कुछ है, तो ये किचन हुआ करता था यहाँ का। और हम लोग अभी यहाँ पे आज बाजू घूम के देख रहे हैं कि क्या क्या है। मोस्टली ब्रिक जो मटेरियल जो भी यूज़ किया है, देख सकते हो कैसा मटेरियल जो अभी तक डिटोरिएट नहीं हुआ है, जो कि ऊपर वाला जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो डिटोरिएट हुआ है बिकॉज वो एक्सकवेशन में ख़राब हुआ होगा। और बाकी तो सब लग रहा है कि जैसे भाई
ब्रांड न्यू, और भाई साइज़ देखो, साइज़ इन द सेंस शेप देखो, शेप अभी भी लेवल है, देखो लेवल अभी। और ये उस टाइम के मजदूर हुआ करते थे जो उनका भाई लेवलिंग का और मेजरमेंट का जो था वो बहुत ही तगड़ा था, बिकॉज एक भी दीवार ऐसा नहीं कि भाई बाहर निकली भाई, मतलब एक दो है पर सारी नहीं, बिकॉज एक्सीबिशन हुआ तो भाई हो सकता है। और इससे कुछ अंदर अंदर है तो देख सकते हो कि पुराने टाइम पे भी लोग के कंस्ट्रक्शन कैसे थे, और वो भी इंडिया के, स्पेसिफिकली नालंदा। अब एक और जगह है जहाँ पे एक्सीबिशन शायद से स्टार्ट है, तो वहाँ पर जाकर एक बार देखते हैं, अगर जाके चेक कर आउट कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर निकलेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, बिकॉज हम लोग कल करेंगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे देखते सीढ़ी में क्या ऊपर कहाँ जाने का रास्ता है, और ये कहीं जाता नहीं है, हम टॉप पे जा सकते हैं, यहाँ से टॉप ओवर व्यू ले सकते हैं बेसिकली। और वो लोग थाई के लोग जो शूटिंग कर रहे हैं एज़ यूजुअल, तो ऐसा कुछ खंडर है। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भगाते हुए जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है भाई, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे ज़रूर है। काम चालू है, जैसे कि अब दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा है और लोग यहाँ पे साफ सफाई का काम कर रहे हैं, जो भी एक्सकवेशन अभी हुआ है वो सबको यहाँ पे ला करके, या फिर यहीं से जो हो रहा है वो हो रहा है। मतलब साफ़ सफाई हो रही है यार, एक्सकवेशन हो चुका है, जो भी था वो साफ़ सफाई है, तो अब इसके पीछे से जाना पड़ेगा जो कि मुझे मंजूर नहीं है, और मैं इधर से जाऊँगा। सो वो आप टॉप अगर देख पा रहे हो, वो रहा कुछ टॉप, ये मिट्टी में पूरा का पूरा टॉप था, उसको साफ़ करते करते इतना किया है कि अभी यहाँ पे कुछ नया खुलासा हुआ टाइप बोल सकते हो कि खुलासा हुआ है। और अभी और भी दो तीन जगह है, वहाँ पे जाके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए या फिर खाना खाने के लिए। और आगे नालंदा म्यूज़ियम है, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप जा सकते हो, और इधर कुछ अंधेरा आ रहा है तो वहाँ पे आप जा सकते हो अगर जाना है, अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, उस म्यूज़ियम में आपको बहुत थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा और कुछ नहीं। और ऐसा कुछ है जो कि अभी चालू है, अब इससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, पर पुराने टाइम पे लोग ना सीमेंट नहीं यूज़ करते थे, देख लो आप कैसे इनको स्ट्रक्चर किया गया है, कि इन लोग सीमेंट के नाम पे पता नहीं कुछ तो है पर सीमेंट नहीं लग रहा, ये तो पाउडर है तो अलग चीज़ है। फिर साफ सफाई अच्छे से चल रही है जो कि मेंटेन करनी ही चाहिए, बिकॉज ऐसा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो भाई वर्ल्ड से लोग आते हैं तो जितना साफ सफाई रहेगी उतना अच्छा है, पर यहाँ के लोग भाई अभी अभी देखा मैंने एक बंदे ने साफ़ किया और वहीं पर थूक दिया, तो ये वही बात है भाई, जहाँ पे खाओ वहीं पे हक दो। और ऐसा कुछ है, ये शायद से मंदिर है। सो यहाँ पे बेसिकली जो भी पढ़ाई होती थी, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी था और जो भी था, ठीक है वो तो इंटरनेट पे है ही, पर आपको अगर एक्सपीरियंस करना तो आप यहाँ पे आकर एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर आपको आना है तो पहला तो आपको ड्राइवर अच्छा चाहिए, बिकॉज यहाँ की जो लोकल है, एक मिनट, जो यहाँ की लोकल है उनको ड्राइविंग उतना अच्छा नहीं आता, मतलब रॉन्ग साइड पूरा चलने की उनकी आदत है, वो कभी भी राइट साइड नहीं चलते तो आपको कभी भी ठोक सकते हैं। मैं आते टाइम पे बाइक से ही आ रहा था, मैं दो टाइम ठुकते ठुकते बचाऊँ, और पूरा का पूरा बस ने ये इसी रूट में, मतलब यहाँ से आप एंट्री लेते हो मेन रूट से और वहाँ से आपको खतरा चालू, तो अपना ड्राइवर देख के आना। और यहाँ पे हम लोग ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ पे जाके हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, और बहुत सारे तिब्बत के लोग भी आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और चलते हैं, ये वाला लास्ट है व्यू, उसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे शायद से, लिट्टी खाएंगे अगर मिल जाएगा तो, नहीं तो चलेंगे घर की तरफ और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चलो स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये कैमरा मेरी कभी सुनता भी नहीं। देख इधर लीजिए तो, गाइस ईटे की साइज देखो, बस इतना साइज।
जा नहीं सकते, अगर इसके ऊपर जा सकते तो अलग ही मज़ा होता, पर सिक्योरिटी गार्ड है, अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता तो तुम्हारा भाई अटेम्प्ट करता, मजाक करो नहीं जाता बाहर, रिस्ट्रिक्टेड वहाँ पर जाके मतलब नहीं है फालतू का भी नाम खराब करे। पर वहाँ पे भी ऐसा कुछ है, वो भी एक्सकेवेशन साइट है, पर वहाँ पर जाने के लिए रास्ता अभी तक चालू नहीं हुआ है, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा उसी लिए। और सुंदर सा गाँव और सब जगह धान होता है कि चावल होता है, धान का गेहूँ में गेहूं रोप दिया गया है और वो रहा सरसों। और ये देखो मस्त सा बैकग्राउंड, सनलाइट है इसलिए उससे अच्छा नहीं आ रहा, पर मेरी वीडियो अच्छी आ रही है तो ये देख सकते हो कि ऐसा कुछ है। अब मज़ा तो बहुत आया पर खाने पीने के कैफेटेरिया बना देते तो और अच्छा रहता। और भाई टॉयलेट में प्लीज़ अगली बार से पानी चालू करवा दो, इस टॉयलेट में पानी भी नहीं है भाई, सरकार भाई बिना पानी के काम करती क्या। और यहाँ पे देखो तनु चौधरी, क्यों भाई घर वाले प्यार नहीं करते क्या, हर जगह नाम लिखते रहता है। और ऐसा कुछ है, अब यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो भी है इंस्टाग्राम पे आएगा चेक करवा लेना। और मिलते हैं अभी के लिए थोड़ी देर बाद, और ऐसे व्यू देखो आप लोग तब तक टिपिकल टिपिकल बाप बोल रहा है मारबू तो रहा घोड़ा पकड़ के। और उधर जैन क्या बोल सकता हूँ, उधर थाई का ग्रुप मेडिटेशन करते हुए अपने पुश्तों को याद करते हुए, सीधी सी बात। और अब चलते हैं हम लोग कुछ खाने फाइनली, अब अच्छी मिसी से पूछेंगे और छक्के रिकॉर्ड करेंगे क्या बोला है भाई ये बंदा। लिटरली ऑलमोस्ट कितने साल से, जब से पैदा हुआ तब से यहीं पे रहा है ठीक है, और नालंदा खंडर है करीब करीब 20-25 किलोमीटर के करीब घर से इसके, और ये बंदा आज तक नहीं घूमने आया, बताओ ये बंदा आज तक नालंदा खंडर घूमने नहीं आया, ये बंदे ने आधा राजगीर नहीं देखा, बताओ भाई जो जहाँ रहता है वहाँ पर घूमता ही नहीं है, ये गलत बात है। और ये कुछ ये क्या है, ट्रेन है क्या ये, उस टाइम का ट्रेन हुआ करता था क्या, ट्रेन का पटरी तो है पर ये पता नहीं यूज़ भी आता था या फिर नहीं, पर मुझे लगता है कि यूज़ेबल होगा, फर्स्ट ट्रैक टूटा चुका है नहीं, मतलब पहले के टाइम पे ट्रेन था क्या ये वाला, कि अभी बनना है नहीं पता था इस, वहाँ पे कुछ बिल्ले पे लिखा तो है पर बिल्ला रीड करने के लिए उधर जाना पड़ेगा और सिक्योरिटी गार्ड उधर ही है तो अलग लोचे हैं। अब चलते हैं हम लोग भाई, एक उसी पढ़ाई हो रही, टैबलेट लेके पढ़ाई कर रहा है, तब मुझे मैकबुक लग जाइए। अबे किचन में क्यों जा रहा है बार बार। इस साथ हमारा टूर ख़त्म होता है नालंदा खंडर का, और हम लोग निकलते हैं अभी घर की तरफ, घर की तरफ नहीं पहले तो खाएंगे कुछ उसके बाद देखते हैं। और चलो खर्चे बता देता हूँ आपको, खर्चे मैंने बताए थे वैसे तो, कैमरा लेके जाते अलग खर्चे होंगे। और यहाँ पे कुछ स्टंट करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त, कभी कभी लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ पर नहीं, मैं नहीं कर सकता इतना फ्लेक्सिबल होता तो बात ही अलग होती है। तो गाइस अगर यहाँ पे आप आ रहे हो और सिक्योरिटी गार्ड से रास्ता पूछोगे तो मत पूछना, अभी हम लोग वहाँ से पूछे उसको कि वहाँ से रास्ता है कि नहीं, उसने बोला नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या करने आओगे देखने, और यहाँ से देखो मस्त रास्ता निकल रहा है, तो अगली बार से पढ़ के आना, पढ़ के आना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई भी अकमा बना सकता है। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, सब्सक्राइब कर देना हो सके तो, इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये है कुछ व्यू जो हम जाने वाले हैं, और ऐसा कुछ है जहाँ पे हम लोग निकलने वाले हैं, यहाँ से जाएंगे कहाँ से जाएंगे, नहीं वहाँ से रास्ता नहीं है भाई, नहीं रास्ता वहाँ से। तो अभी मेरे सामने मेरे राइट में एक परिवार भाई साहब
पतीला वतीला खोल के भाई पार्टी एकदम फुल पार्टी मोड चालू है। दिखाओ देखो उधर भाई पार्टी कर रहे फुल पूरी फैमिली टपीला पिला खुल के। बताओ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बताओ वो खा पी के मस्त गिरा के जाएंगे। और फिर पता है फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो भाई किस A few inches later. आज संडे था तो बहुत सारे बच्चे जा रहे, बहुत सारे बच्चे। और ये रहा कुछ दुकान, तो अब निकलते हैं अब नाश्ता करते हुए घर। अश्विन भाई को जाना था म्यूज़ियम, मैंने मना कर दिया भाई, क्या करने जाएगा म्यूज़ियम। और वो रहा कुछ डोंग जिसे आप देख सकते हो। चलो अब निकलते हैं हम लोग घर की तरफ, या फिर खाते हुए कुछ निकलेंगे। Gracias.